मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है सर आ रही है सर आ आ आ रही है। आ, रही है है लंदन तक रहे हैं हैं तो क्या बोलते <laughs> आज बड़े सारे हैंड रेज हैं और सभी के हैंड आएंगे आज लगता है ग्यारह बजे तक हम जगेंगे कम से कम और धर्म माह जी का एक प्रश्न दो हफ्ते पहले का था वो मुझे याद है उसका जवाब देना है मगर आज जो चर्चा यहाँ चली है उस चर्चा का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि जितनी भी रस्में भारत में चल रही हैं वो रस्में ऑलरेडी जो क्रेमिनेशन की है अंतिम संस्कार की है वो दरअसल सा, सारी सारी धम्मिक है और बुद्धिस्ट हैं बाहर के लोगों की रस्म है ही नहीं और अगर आप धम्मों में जाएंगे तो पता चलेगा कि दो तरह के सयान होते थे पहले स शयान का मतलब है स माने निज अपने आप और शयान माने सोते हुए यानी जो अपने आप सोता हुआ जहां बंदा होता है उसको सहसान बोलते हैं इसको बाद में शमशान में बदल दिया गया तो हमारे यहां जो त्रिपिटक है पुराना उसके अंदर दो तरह के शमशान बाद में नाम हुआ एक कच्चे होते थे बुद्ध के समय और एक पक्के कच्चे वालों में जो लाशें आती थी वहां वो भिक्ओं को भेजते थे वहां कुत्ते वहां भेड़िए वहां जानवर वहां कौए वहां चील खाया करते थे लाशों को हमारी लाशों को हमारे पूर्वजों की लाशों को और जो पक्के वाले शमशान होते थे अगर वो कहीं ऐसी जगह जहां पानी वानी नहीं बह रहा है तो उनको जलाया करते थे जहां पानी बह रहा है तो वहां पानी में ही निकाल देते थे या छोटे बच्चों को तो आज भी दबाते हैं उनको जलाते नहीं और इससे भी खास बात यह है कि जो लेह लद्दाख के अंदर जो ट्रेडिशन है वो तो बड़ा ही गजब का है वहां हमारे सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं खासतौर से लेह में लद्दाख में और तिब्बत के अंदर वहां लकड़ी नहीं जलाने के लिए और मौसम बड़ा ठंडा है और वहां लकड़ी जीवन होती है इसलिए जो लाश होती है उसमें लकड़ी वेस्ट नहीं करते वो लोग और वहां जानवर होता है बाद जिसको खाने को मांस नहीं मिलता तो वहां वो लाश को ले जाते हैं उसकी खाल उतारते हैं और खाल उतार के उसको फेंक देते हैं और और वहां सारे गिद्ध और जितने भी बाज होते हैं हैं वो हैं वो वो सब आते और खाते इसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसलिए कोई ये कहना कि बुद्ध का कोई ट्रेडिशन है या बुद्ध ने कोई ट्रेडिशन बनाया बुद्ध ने कोई ट्रेडिशन नहीं बनाया बुद्ध का खुद का जो अंतिम संस्कार है वो बाद में हुआ जो जला के हुआ और बुद्ध ने कोई ट्रेडिशन उस समय भी नहीं दिया और कोई ट्रेडिशन आज भी नहीं है बड़े सिंपल से ट्रेडिशन है कि लाश है उसका कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है और जितना जल्दी हो सके बदबू उठने से पहले उसको वहां खत्म करना है ये एक सिंपल सा सिद्धांत है और वो जो बोला जाता है राम नाम सत्य है वो हमारा है दरअसल राम का जो मतलब होता है वो रमण होता है वो व्यक्तिवाचक नहीं है वो गुणवाचक है यानी जो रमता है जो साधना में जाता है जो रमता है उसको राम बोलते हैं और नाम जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको पूरे पाली भाषा में नाम रूप के नाम से जाना जाता है कहीं भी अगर नाम है कि जितने यहां एक लोग बैठे हुए हैं उन सबका एक नाम है और किसी को यह पता नहीं है कि नाम का मतलब क्या है बस नाम इस्तेमाल करते हैं नाम का मतलब आपको बुद्ध बताएंगे पाली में बताएंगे नाम और रूप के ऊपर सारी थ्योरी है जो बुद्ध ने बताई नाम बोलते हैं सॉफ्टवेयर को रूप बोलते हैं शरीर को यानी हार्डवेयर को हमारे शरीर में जो मन चलता है उसको नाम बोलते हैं जिससे वो बना हुआ होता है और जो शरीर है सारा का सारा वो हार्डवेयर है तो नाम रूप को आज की डेट में आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कह सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर नाम है और हार्डवेयर रूप है ये कमाल की बात है कि सब लोग अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं या जितने भी लोग हैं और वो बता नहीं सकते वो सोचते हैं कि ना नेम इज द नाउन यानी कि बस एक नाउन है संज्ञा है यही पढ़ा जाता है यही डटाया जाता है पर किसी को ये पता नहीं कि नाम चल कहां से रहा है ये नाम जो शब्द है ये नाम आया कहां से है ये नाम नाम रूप से आया हुआ है इसलिए आपने देखा होगा हमारे एक संत का नाम नामदेव है और यहाँ जो पंजाब के अंदर जो संत बैठे हुए हैं वो नाम देते हैं आज भी वो कहते हैं कि तुमको नाम दाम देना है नाम दान देना है वो नाम का मतलब है वो उनको वही सॉफ्टवेयर सिखाने की कोशिश करते हैं हालांकि वो जानते नहीं है कि बुद्ध ने क्या नाम लिया था क्या नाम होता है मगर नाम चलता है और हमारे रमेश कटके जी बैठे हैं उनका भी जो नाम है वो रमेश नामदेव कटके है तो नाम इतना पुराना पाली का है और वही जो नाम चलता है वही राम नाम सत्य में चलता है और वो ट्रेडिशन भी हमारा है इस पे काम चल रहा है कल्चर पे जैसे जैसे और लोग आते जाएंगे इसकी रिसर्च करते जाएंगे बताते जाएंगे इसमें कहीं झगड़े का नहीं है गुरनाम सिंह जी दो में धम दीक्षा में मिले थे वहां पर अः दीक्षा भूमि में और वहां वो कुछ सिख लोगों के साथ आए थे जब उसके बाद वहां उन्होंने धम लिया हमारे साथ कुछ फोटो भी हैं उनके उसके बाद गुरु सिंह जी से कई बार मेरी बातचीत भी हुई मैंने एक बारीकी से अध्ययन किया कि वो बुद्धिस्ट हो गए डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं मगर ट्रेडिशन जो सिख वाला ट्रेडिसन है उसको नहीं छोड़ पाए हालांकि छोड़ना जरूरी नहीं है किसी भी धम्मिक आदमी को वो कैसा भी कपड़ा पहने कैसी भी पगड़ी बांधे पगड़ी बांधे या नाव ना बांधे टोपी पहने बाल कटाए मूंछ कटाए उपासक के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो कोई खास ड्रेस पहनेगा बुद्ध ने कोई नियम नहीं बनाया उपासक के लिए भिक् के लिए तो नियम है कि उसको कैसा कपड़ा पहनना कैसा नहीं मगर वो तो पा थे इसलिए वो सिख की जो ट्रेडिशनल क्योंकि तो वो उनसे लगाव हो गया जूड़ी पगड़ी से लगाव हो जाता है आदमी को जैसे मुझे मूछों से लगाव है या मुझे बालों से लगाव है या जिसको अपने जो स्टाइल से लगाव है मगर उसके बाद भी आदमी बुद्धिस्ट हो जाता है ये बुद्ध की ये उसकी कल्चर की खास बात है और सिख तो है ही सारे सारे बुद्धि क्योंकि सिक्खा पतंग समाधि आदमी पांच बार आता है हमारे उसमें सिक्खा पतंग समाधि हमीन ये जो सिख है

अगर वो सारी भर भी जाए तो चौदह सौ लोग आए और दो तीन महीने से उसकी तैयारी चल रही है दस लाख रुपया खर्च हुआ है और इतने सारे दस लाख तो ऑर्गेनाइज करने में यानी कि जो टेंट है जो खाना है जो माइक है जो पोस्टर बिल्ला है उसमें खर्च हुआ है जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनका अलग है दो दिन का कार्यक्रम है एक आदमी पे सात सौ आठ सौ रुपये खर्च तो ऑर्गेनाइजर का पड़ता है और जो लोग अपना खर्च कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं और वहां हो क्या रहा है कुछ लोग बुलाए हैं उन्होंने जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने पूरी जिनकी नौकरी की है जिनके नाम बड़े बड़े हैं पद बड़े बड़े हैं वो जो बात कहेंगे वो बात वहां लोग सुनेंगे उस बात को ऑडियो से वीडियो से जूम से आज की डेट में तो बहुत सस्ता है हम सात हजार रुपये यहाँ देते हैं और सात हजार रुपये में हम यहाँ सत्तर मीटिंग करते हैं हमारी मीटिंग यहाँ सौ रुपए से भी कम पड़ती है और हम सौ रुपए में एक सौ चौरासी लोगों से बात कर रहे हैं आराम से तो कितना सस्ता है और बात ही तो करनी है मैसेज तो पहुंचाना है इसके अलावा वीडियो है इसके अलावा जहां हम छोटी छोटी मीटिंग लगा रहे हैं वो भी हम फ्री में लगा रहे हैं ये सिस्टम हमें बदलने पड़ेंगे एक सज्जन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी दिक्कत यह है कि वो कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए चाह रहे अब उनको कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आप बनाना चाहते हो क्या बनाना चाहते हो आप बना लो भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मतलब दस हजार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है दस हजार लोगों के यहाँ काम है दस हजार लोगों के यहाँ पे कोई ना कोई ग्रीवेंसिस है आप किस किस की ग्रीवेंसिस लोगे पर्चे भर जाएंगे आप सबको पूरा नहीं कर सकते इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का भी टाइम है नहीं लोग अधिवेशन कर रहे हैं साल में लगातार पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अधिवेशन कर रहे हैं और वो भी अलग अलग कर रहे हैं भाई कितने अधिवेशन करोगे अधिवेशन चल रहा है भाई कितने और करने अभी आपने पहले बता दो ताकि एक साथ हो जाए और फिर हम इकट्ठे हो जाए फिर हम अपनी जान बचा लें अधिवेशन जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे संविधान चला गया हाथ से जैसे जैसे अधिवेशन होते गए वैसे वैसे उनके सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो गई सरकारी नौकरियां चली गई सब लोगों को भगा दिया किसी को सीआरएस दे दिया किसी को वीरएस दे दिया किसी का डिपार्टमेंट बेच दिया किसी को कुछ कर दिया किसी कुछ कर दिया बीस परसेंट भी लोग लो नहीं है तो वो जो अधिवेशन है उन लोगों को सरकारी कर्मचारी चलता था वो भी लगभग खत्म के कगार पे है और जो हमारे लोग रिसर्च कर रहे हैं तो भाई रिसर्च क्या कर रहे हो मोटी मोटी किताबें लिख रहे हो ये बाबा साहब ने जो किताबें दी हैं क्या क्या बाबा साहब ने रिसर्च नहीं की है क्या अपने महा महापुरुष पर भरोसा नहीं है क्या उसको यकीन नहीं करते हो जब अपने महापुरुष पर भरोसा है जब बाबा साहब पर भरोसा है तो पहले वो जो रिसर्च करके गए पहले उसी को देख लो अपनी अपनी बात में कर लेना तो ठीक है कि कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए मगर यहां जो हम मर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है आपकी रिसर्च से हमें तो फायदा हो नहीं रहा आप जो पेपर पब्लिश कर रहे हो वो अपने नौकरी के लिए कर रहे हो अपनी विदुता के लिए कर रहे हो मगर हमें क्या मिल रहा है उसमें उस, उस एजुकेशन का हमें फायदा हो नहीं रहा है जो भाषण चल रहे हैं दवा दबा के दवा दबा के भाषण चल रहे हैं लोग अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं लोग अपना आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं एक दूसरे पर विद्रता दिखा रहे हैं भाई कितने भाषण दोगे कितने कार्यक्रम लगाओगे कितने जुम्म पे लगाओगे बता दो पहले हम तो सारे सारे जा रहे हैं जितने भाषण देते जा रहे हैं उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं ये जितने तर्क वितर्क हमारे चल रहे हैं समय खराब हो रहा है ये सारा जुड़ने और जोड़ने का जा रहा है इसी समय में अगर हम जुड़ने जोड़ने का प्लान बनाए और उस पर काम करें और तर्क वितर्क को कुछ दिन के लिए साइड में रख दें तो हम जल्दी सफल हो जाएंगे और जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भाई कितना पैसा इकट्ठा करोगे और कितना कर लिया है एक एक आदमी से दस दस हजार रुपए एक एक आदमी तो दस हजार लोगों से दस दस हजार रुपए इकट्ठा करने का टारगेट है बल्कि पंद्रह पंद्रह हजार भी इकट्ठा कर रहे हैं और डेट फिक्स कर रखी है इमोशनल डेट है चार तारीख को देना चार दिसंबर को पांच हजार फिर पांच तारीख को पांच हजार देना है फिर छह दिसंबर बाबा साहब एक्सपायर हुए तो पांच हजार देना है क्या करना है हमने धम बचाना है हमने ये करना है अरे भाई खुद को बचा लो धम को बाद में बचा लेना पहले इकट्ठे हो जाओ उस पर काम नहीं होगा वो अलग ही काम करेगा ये जो नई नई पार्टियां बन रही हैं और जो नई नई चीजें हो रही हैं जो अलग अलग विचार आ रहे हैं जो अलग अलग बैठक हो रही है ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें नहीं है ये बीमारी ये ध्यान देना कि जो लोग सक्सेसफुल है और जिनके अगेंस्ट में हम काम करना चाहते हैं वो ना तो इस तरह के सम्मेलन लगाते हैं ना इस तरह के अधिवेशन लगाते हैं उनका कई दो तीन साल में जाकर एक अधिवेशन लगता है वो छोटी 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 मीटिंग करते हैं वो एक एक आदमी पर काम करते हैं उन्होंने गुल्लक बना रखी है उस गुल्लक में पैसे जमा नहीं करते हैं वो लोग वो गुल्लक में कहते हैं आज मैं फलाने आदमी से मिला मैंने उसको विचारधारा बनाई वो मेरी विचारधारा से, से सेटिस्फाइड हो गया अब वो हमसे जुड़ गया उसका नाम लिख के गुल्लक में डाल देते हैं और एक महीने बाद गुल्लक फोड़ के और उसको ऊपर वाले बंदे को दे देते हैं कि मैंने इतने आदमी जोड़े हैं वो पैसे नहीं जोड़ रहे वो आदमी जोड़ रहे हैं हम पैसे जोड़ रहे हैं लोगों ने रजिस्टर बना रखे हैं लोग अपने साथ डायरिया रखते हैं कौन आदमी हमें काम का मिला कौन नहीं मिला उसकी याददाश्त रखते हैं और यहाँ लोग हमारे लोग क्या कर रहे हैं मिले फोन पे बात हुई बस हमारा काम पूरा हो गया भूल गए एक छोटी सी पढ़े लिखे लोग एक डायरी मेंटेन नहीं कर सकते एक छोटा सा जो मोबाइल होता है उसमें एक लिस्ट नहीं बना सकते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया कोई मीटिंग में बुलाएगा चले जाएंगे भाषण का इंतजार करेंगे भाषण दे दिया हमारा आज का काम हो गया भाई भाषण से नहीं बात बनने वाली है बात ये बनेगी कि काम कितना हम कर रहे हैं और कितना हो रहा है दरअसल अगर हम अपने काम का एनालिसिस नहीं करेंगे और हम अपने काम का फीडबैक नहीं लेंगे और खुद नहीं करेंगे कराने कौन आएगा क्योंकि जो समर संघ है ये संघ सारे संगठनों से बिल्कुल अलग है जैसे धर्म माहर साहब ने पिछली बार पूछा कि भाई आप करना क्या चाहते हो आपका उद्देश्य क्या है वो आपको बताना पड़ेगा वैसे तो एक उद्देश्य का बन गई है समर संघ की छोटी सी है इस वाले हाउस में वो पास हो जाएगी एक दो शब्द उसमें थोड़े चेंज होने हैं हाउस का ऑब्जेक्शन आया था वो चेंज होने के बाद आ जाएगी मगर मैं यहां बता देता हूं कि वो क्या है क्या नहीं है हमें अपने और अपने बच्चों को बचाना है उनकी भविष्य उनकी सुख सुविधा के लिए हमें सारे वो काम करने हैं जो संवैधानिक हैं जो लोकतांत्रिक हैं जो बाबा साहब ने बताए हैं जो हमारे महापुरुषों ने बताए हैं हम सब मिलकर काम करेंगे और यहां मिलकर डिसीजन लेते हैं और मिलकर डिसीजन लेके हम आगे बढ़ेंगे और ये संकल्प है कि हमें अपने दुख दूर करने हैं ये उद्देश्य है हमारा तो अधिकतर लोग हमारे ये सोचते हैं कि हम जो कोई उद्देश्य बताएंगे तो वो उद्देश्य क्या होगा पॉलिटिक्स में जाना है या सामाजिक क्रांति करनी है सोशल रिवोल्यूशन करना है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है या इकोनॉमिक रिवोल्यूशन करना है अपनी फैक्ट्री खोलनी इंडस्ट्री खोलनी है पैसा इकट्ठा करना है या एजुकेशन से इसकी क्रांति करनी है या सड़कों के जो दल बल है जो जो इसके समता सैनिक फोर्स बनी है उससे क्रांति करनी है या जो सरकारी कर्मचारी है उनके संगठन बना के नौकरियां लेनी है उससे क्रांति करनी है ये छोटे 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 जो काम है सब लोगों ने करके देख लिए और सारे लोगों के रिजल्ट आ गए हैं अभी किसी को और रिजल्ट चाहिए तो और ट्राई कर लो भाई कितना ट्राई करना जितना ट्राई करना उतना कर लो देखो सरकारी संगठन सारे खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी खत्म हो चुके हैं सामाजिक संगठन हमारे सारे टुकड़ों में बट चुके हैं और कितने टुकड़े करने हैं कोई टुकड़ा और बना लो भाई और आजमा लो वही रिजल्ट आएगा जो सेम उसमें आ रहा है जो लड़कों के दलबल हैं वो अभी 2022 आ गया चुनाव डिक्लेयर हो गया उसमें उन्हें पता चल जाएगा कि थोड़े से लड़के कुछ नहीं कर सकते पूरे समाज की आवश्यकता होती है वो उन्हें पता चल जाएगा जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो, वो एक ना इकट्ठे हुए हैं ना वो इकट्ठे होंगे क्योंकि ना उन्हें कोई इकट्ठे होने देता है उनकी सोच ही पता नहीं कैसी है तो उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं और खूब आपने देखे हैं और जिन्होंने थोड़ी बहुत सफलता भी पाई है उससे हमारे अधिकार गए हैं वापिस नहीं आए कोई ये कहता हो जी कि ये अधिकार आया ये अधिकार आया इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक अधिकार आया फर्क इससे पड़ता है कि सारे अधिकार कहा है कहाँ इसलिए अगर हम कोई नया काम स्टार्ट करें या हम इनमें से कोई काम स्टार्ट करें तो उसके तो ऑलरेडी हजारों संगठन है तो हम क्या नया करेंगे और उससे कौन सी सफलता मिलने वाली है इसलिए धर्म माहे साहब हमारे पास में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम आपको बता सकें कि हम ये करेंगे मगर हमारे पास में एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है जो हम जो जो बहुत पहले से पेटेंट है और जिस पर हमने सफलता पाई है और वो सफलता है संघे शक्ति यानी कि अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने आप ही शक्ति बन जाते हैं देखो तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं और यह कमाल का उदाहरण है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ क्यों खींच लेती है पृथ्वी पे कोई भी चीज डालो यह बहुत पहले जो बताया था बताया था मगर सब जानते हैं कि एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अंदर और सूरज के अंदर भी एक बल होता है यानी जितना ज्यादा मास इकट्ठा होता है जितना ज्यादा वजन इकट्ठा होता है जितना ज्यादा द्रव्य इकट्ठा होता है पिंड के अंदर पिंड में उतनी ही अपने तरफ खींचने की क्षमता आ जाती है और यह नेचुरल गुण है बस यही काम हम कर रहे हैं कि संघ जितना मजबूत और जितना बड़ा होता जाएगा वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेगा और जब हर चीज को अपनी तरफ खींच लेगा तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी ये नेचुरल पृथ्वी का सिद्धांत है जो संघ का सिद्धांत है संघ में जितना भारी होता जाएगा उतना वजनदार होता जाएगा उतना ही वो आकर्षित होता जाएगा और उतना ही वो सारी चीजों को आकर्षित कर लेगा और हमारा काम बन जाएगा इसलिए यहां कोई अगर एक ऑब्जेक्ट या कोई कॉमन मिनिम प्रोग्राम या कोई एक उद्देश्य बताएंगे तो सारे लोग क्या कहेंगे हम खुद कहेंगे अरे भाई राजनीति करनी है इसके तो ऑलरेडी संगठन है जिसको करनी है वहां चले जाओ नया क्यों बना रहे हो सामाजिक काम करना है तो भतरे संगठन है कोई उनमें से छांट लो चले जाओ कोई अगर लड़कों का कोई काम करना तो वहां चले जाओ कोई अगर सरकारी कर्मचारी तो वहां चले जाओ मगर वहां से रिजल्ट नहीं आएगा जो काम अभी तक नहीं हुआ वो ये था कि हम कभी इकट्ठे नहीं हुए कभी इकट्ठे नहीं हुए बुद्ध में और बाबा साहब की क्रांति में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये अंतर है कि बुद्ध ने पहले सीखा बोधि सीखी और सीखने के बाद में उन्होंने फिर लोगों को पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा पढ़ाते ऑटोमेटिक संघ बन गया वो संघ ना बनता तो आज यहाँ बुद्ध का फोटो नहीं होता क्योंकि संघ ने ही बुद्ध के धम्म को बचाया है संघ ने ही उसको फैलाया है संघ ने ही अपने आप को रक्षा की और संघ ने ही पूरे भारत को महाभारत बनाया है बाबा साहब ने जब संविधान बनाया और बुद्ध एंड धम्मा लिखी संघ नहीं था उनके पास में और अगर वो दस पांच साल जी जाते तो संघ भी बना जाते संघ बहुत बड़े बनता तो हमको यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती बस यही दिक्कत होगी कि बाबा साहब के पास समय नहीं था और बुद्ध के पास में पैंतालीस साल थे सीखने के बाद में अगर बाबा साहब के पास भी दस पंद्रह साल और होते तो बात ही कुछ और हो जाती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी मगर बाबा साहब ने जाते जाते बता दिया कि आपको संगठित रहना है आपको शिक्षित रहना है आपको संघर्ष करना है अब कोई संगठित रहने का मतलब संगठन बनाना कर ले तो उसमें हम क्या करें कोई अगर एजुकेट का मतलब डिग्री इकट्ठा करना कर ले और किताबें लिखना कर ले तो उसमें हम क्या करें कोई अगर संघर्ष का मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री को गाली या कैबिनेट को गाली या सरकार ऐसा नहीं कर रही है वैसा नहीं कर रही है उसको समझ ले तो क्या करें तीनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो उल्टा समझ लिया गया और किसी ने भी बाबा साहब के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझा नहीं कि वो कौन सा एजुकेशन बता रहे हैं वो कौन सा एजुटेशन बता रहे हैं और वो कौन सा ऑर्गेनाइज बता रहे हैं अगर हम इनमें से एक शब्द को भी अच्छी तरह समझ लेते और पकड़ लेते और बात को समझ जाते तो हम किसी अपने साधारण आदमी को कभी अनपढ़ नहीं कहते जो व्यक्ति दिन रात दिन रात समाज के लिए जागरूकता काम करता है पढ़ा लिखा तो वो है और जो डिग्री लेके अपने बच्चों को पाल रहा है वो उसके मुकाबले में अनपढ़ है ये सामाजिक नियम है पढ़ाई का ये सामाजिक नियम है शिक्षा का क्योंकि शिक्षा का जो मतलब है एजुकेशन का मतलब है जागृत रहना जागते रहना है अक्षर होना नहीं है क्योंकि बाबा साहब अगर अक्षर होने का शब्द देते तो कहते बी लिटरेट लिटरेट होने के लिए बोलते उन्होंने एजुकेट होने के लिए बोला है लिटरेट होने के लिए नहीं बोला है लिटरेसी के लिए नहीं बोला है उन्होंने ये नहीं कहा है कि 100 परसेंट लिटरेसी रेट चाहिए मेरे को यह नहीं कहा उन्होंने उन्होंने तो 100 परसेंट एजुकेशन का रेट मांगा है अब एजुकेशन को लिटरेट में बदल दो एजुकेशन को शब्दों में बदल दो तो इसमें बाबा साहब क्या कर सकते हैं और क्या कोई इसमें कर सकता है मामला ही उल्टा कर दिया वैसे ही ऑर्गेनाइज का मतलब संघ होता है और उन्होंने संगठन बदल दिया मामला ही खराब हो गया और वैसे ही एजुटेट का मतलब होता है कि जो निगेटिव हो रहा है जो संविधान के विरुद्ध हो रहा है वो हम सबको मिलकर लड़ना है और उसको ये कह दिया कि ताला चाबी है पार्टी है संविधान में जाके ऐसा होगा सड़क पे आ जाओ ऐसा करना वैसा करना है और वो सारा का सारा जो एजिटेशन था वो जो साइलेंट और संवैधानिक होना चाहिए था इकट्ठा होने के बाद में होना चाहिए था वो सारा गड़बड़ हो गया तो गलतियां सुधार लेनी चाहिए इस गलती को सुधारने के लिए लगातार 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 यहां सब लोग और कमाल इस बार ये हो रहा है कि सारे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस बार क्योंकि अच्छे इसलिए जुड़ रहे हैं कि इसके अंदर नेता नहीं इसके अंदर पद नहीं इसके अंदर पैसा नहीं इसके अंदर पोस्ट नहीं इसके अंदर संगठन नहीं और यह तो खाना भी अपना लेके आना पड़ता है और कार में अगर जाओगे तो कार का पैसा देना पड़ेगा और अभी तो और भी नियम आने वाले हैं जो पुराने संघ में चलते थे और बड़े कामयाब नियम थे इसलिए यहां पर राजनीति नहीं है यहां पर व्यक्तिवाद नहीं है जिंदगी में हम राजनीति में जाएंगे नहीं व्यक्तिवाद में जाएंगे नहीं जिसको राजनीति करनी है वो चला जाए तो हमारे जो जो समर संघ है जो पुरानी नियम है उसी के अनुसार जब काम चलेगा तो जैसे पहले बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे थे वैसे ही अब इसमें अच्छे अच्छे लोग आने लगे हैं कई लोगों ने ट्राई किया चेहरा चमकाने के लिए आए कुछ लोग आए हमने उनको फोन करके पूछा भाई तुम आए किस लिए थे क्या तुम लेने आए क्या देने आए और तुम चले क्यों गए तो लोग बताते नहीं है जाहिर सी बात है कि वो कुछ ऐसा ढूंढने आए थे जो उनको चाहिए तो यहाँ ना पैसा है ना पद है ना पोस्ट है ना पार्टी है ना पॉलिटिक्स है तो यहाँ कुछ है ही नहीं तो वो वही लेने आए होंगे उनको नहीं मिला वो चले गए बाद में आ जाएंगे घूम के क्योंकि जब संघ साथ होता है संघ में सब चीज आती है जब संघ कामयाब होता है जब एक पेड़ पर पे फल आते हैं तो फल चारों तरफ आते हैं एक तरफ नहीं आते इसलिए जितनी भी ब्रांच है जो भी उद्देश्य की ब्रांच है वो सारे के सारे फ्रूटफुल होते हैं और सब उनको मिलता है इसलिए कहीं घबराने की जिक्र नहीं है जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो पॉलिटिक्स आपकी जेब में होगी जैसे चाहो वैसे कर लेना आप नेता बनाना मत बनाना जो लोग नेता बनते हैं उनसे जो कह दोगे वो काम हो जाएगा जैसे किसानों का हो गया किसानों की आज भी मीटिंग हुई है बत्तीस के बत्तीस संगठन आज भी संघ में है उनको संघ की ताकत का पता चल गया मतलब उनका काम हो गया फिर भी उन्होंने संघ नहीं तोड़ा उनकी आज भी मीटिंग हुई उनके बत्तीस संगठनों की गोल चक्कर में बैठे हुए मीटिंग देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं हमारे जैसे लोगों को खुशी होती है क्योंकि तो जो गोल चक्कर में वो बैठे हुए हैं और एक चीज कुर्सी पे हैं उनका कोई मंच नहीं कोई माला नहीं कोई माइक नहीं ठीक वही सिस्टम समर संघ का पुराना है और हम लोग भी ऐसे ही बैठते हैं गोले में बैठते हैं बराबर बैठते हैं कोई ऊंचा नहीं बैठता कोई नीचे हाँ किसी की कमरा वगैरह खराब हो तो कुर्सी पर बैठ सकता है पर बैठने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मंच लगा के बैठेगा तो वो जो नियम संघ का पालन किया किसानों ने वो बुद्ध का नियम पालन किया इस देश का नियम पालन किया तो सफलता मिली इस संघ से इस नीचे बैठने से इसे अपने खाने से बहुत लोग घबराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ऊंच नीच होनी चाहिए और ऊंच नीच अगर संघ में हो जाएगी तो संघ संगठन बन जाएगा तो संघ में ऊंच नीच नहीं होती ऊंच नीच का मतलब है ना तो कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है ना ही कोई मंच है और ना ही कोई नीचे बैठा हुआ है ना ही कोई अपनी बात कहकर निकल जाता है ना ही दूसरी बात सबकी बात सुनी जाती है और अंतिम व्यक्ति तक की बात सुनी जाती है कुछ लोग यहाँ आए और बड़े नाराज हुए चले गए तो उन्होंने कहा जी हमारी बात नहीं मानी अरे भाई तुमने अपनी बात संघ के सामने रखी संघ में तुम अपना बहुमत नहीं जुटा पाए अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए इसका मतलब वो बात संघ के हित में नहीं है तो तुम के साथ रहना चाहिए तुम भागे। क्यों भागे? क्योंकि अलग जाओगे, जाओगे। तो संघ में बात रखें और संघ में अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे के सारे फैसले वही हुए हैं जो पूरे संघ के लिए लाभदायक है एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ जो किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक है इतना बढ़िया तरीके से काम चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है इसलिए धर्म भाई जी मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार संघ में स्पोक बनिए और अंदर आके इस पर देखिए और अपना सुझाव दीजिए अच्छा लगे तो रहिए और अच्छा ना लगे तो यहाँ कोई फीस तो है नहीं क्योंकि संघ की सदस्यता तो आपके पास ऑलरेडी है संघ के मेंबर तो सारे के सारे हैं ही बस एक्टिव बनने के लिए आपको यहाँ एक स्पोक बनना पड़ेगा स्पोक कोई बनाएगा प्रपोज करेगा अगर आपकी इच्छा होगी स्पोक का मतलब है प्रवक्ता महापुरुषों की आवाज के प्रवक्ता फिर आप अपना विचार यहाँ रखिए फिर अपना यहाँ पे एजेंडा लेके आइए फिर यहाँ अपना कोई भी कार्यभार यहाँ रखेंगे सूची रखेंगे उसको पास कराइए और फिर उसमें आगे बढ़िए जैसा भी है संघ सबका है क्योंकि इसका कोई लीडर तो है नहीं संघ का लीडर संघ ही होता है जैसा कि बुद्ध ने नियम बनाया है जैसा कि बुद्ध से पहले हमारे महापुरुषों ने नियम बनाया है इसलिए अब हमको इन सारे कामों को छोड़ के जो तोड़ने वाले और टूटने वाले हैं एक तो उनको ये कहना पड़ेगा भाई देखो ये हजारों हजारों जो तुम संगठन में लगा रहे हो ये अधिवेशन कर रहे हो ये मीटिंग कर रहे हो इसमें पैसा बर्बाद मत करो इसमें समय बर्बाद मत करो अपना थोड़ा सा ईगो कम कर लो अपना अहम वहम कम कर लो हम नहीं जीत पाएंगे जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ये बार 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 अगर हम कहेंगे तो रस्सी भी ईट को और पत्थर को काट देती है जो हमारे कुएं की जो मैण होती है कुएं का जो घाट होता है उसको भी रस्सी काट देती है हम बार 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 उनसे कहेंगे तो उनको अनंत बंद करना पड़ेगा उनके बंद होते उनको समझ में आ जाएगा कि हमको इकट्ठा होना है फिर हम इकट्ठे होंगे नेता तो वही रहेंगे जो नेता है हमारे हम तो नेता बनने जा नहीं रहे हैं मगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा ये समस्या हर जगह आ रही है और यह समस्या देश से लेके विदेश तक सब जगह है मगर सबको एक बात जरूर कहनी है कि भाई अगर इससे अच्छा प्लान तुम्हारे पास हो इससे अच्छा कोई तरीका तुम्हारे पास हो तो बता दो हम तो उसे अडॉप्ट कर लेंगे आप ही अडॉप्ट कर लो हम आपके साथ आ जाएंगे पर कुछ होना तो चाहिए अच्छा एक खाली खाली हम कहीं जाएं झंडे उठाएं और वहां पैसा खर्च करें और बैठ के आ जाएं भाषण सुन के आ जाएं उससे तो सत्तर साल में कुछ नहीं होने वाला और जो थोड़ा बहुत होना था वो हो लिया अब उसके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं और ना उसके रिजल्ट आएंगे वो प्रैक्टिस पुरानी हो चुकी है दुनिया के किसी कोने में वो प्रैक्टिस नहीं होती किसी कोने में वो प्रैक्टिस नहीं होती कि बड़े बड़े अधिवेशन करके हजारों ला, लाख रुपया तो फूक दो और लोगों को बुलाक कर दो लोग आज के समय सारे के सारे आराम से काम करते हैं चुप चुप काम करते हैं वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस करके काम करते हैं एक 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 को जोड़ता है और जल्दी काम जुट जाता है हजार आदमियों की सभा में चार आदमी भाषण देकर चले जाएं चार आदमी नहीं जुड़ते और एक आदमी अगर एक महीने में छह आदमियों से मिल ले तो छह आदमी को जोड़ लेता है तो उस आदमी का रिजल्ट ज्यादा है जो छह को जोड़ता है वो हजार आदमियों की सभा बेकार है जिसमें दस लाख रुपया खर्च होता है और एक आदमी जोड़ता है उसका कोई फायदा नहीं है अधिवेशन होने चाहिए मगर अधिवेशन शालीनता से अच्छे होने चाहिए पहले भी अधिवेशन होते थे मगर साल दो साल में एक आध हो गया चलो इकट्ठे हो गए तो ठीक है समझ में आ गया या कोई इमरजेंसी आ गई तो इकट्ठे हो गए तो अच्छा समझ में आता है मगर रोज 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 हर संडे हर सैटरडे को दिल्ली के अंदर तीन तीन चार चार लगते हैं हर बड़े बड़े शहर में लगते हैं कोई कहने वाला नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है हमारी जेबों से पैसा जा रहा है और फिर हम रो भी रहे हैं इस बात के लिए कि हमारा क्या होगा जी हमारा क्या होगा अरे भाई हम ही पैसा देंगे हम ही वहां जाएंगे और हम ही रोएंगे इससे बड़ा मजाक हमारे साथ और क्या हो सकता है थोड़ा तो हमको सोचना चाहिए थोड़ा तो कहना चाहिए और थोड़ा हमको उनको कहना भी चाहिए कि भाई अब हमारे पास तुम्हारे देने के लिए पैसे नहीं है पैसे देंगे तब इकट्ठे हो जाओ तब तो वो इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा वही काम यहाँ जितने भी लोग हैं उनको गुल्लक बना लेनी चाहिए उनसे सीखो भाई जिन्होंने पैसे की बजाय आदमी खट्टे करने की गुल्लक बना रखी है अपने घर में गुल्लक बना लो रोज एक आदमी किसे बात करो कितनी बात हुई उसका नाम लिखो गुल्लक में डाल दो और एक हफ्ते एक महीने बाद गुल्लक फोड़ो देखो दस आदमी खट्टे हो गए वो हमारी पूंजी है वो हमारा समर्थ संघ है वो 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 है असली जायजाद हमारी हमें पैसे रुपए का क्या करना है इतने सारे भवन बन गए इतने सारे आश्रम बन गए इतने सारे महंत बन गए इतनी सारी जमीन जायजाद बन गई अगर इनसे कुछ होता होता तो बहुत पहले कल्याण होता बाबा साहब अंबेडकर ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए थे उन्होंने कहीं कोई आश्रम आश्रम नहीं बनाए और बुद्ध ने तो जमीन साफ साफ कर करके कर कोई ईंट पत्थर भी नहीं रखा और क्रांति कर दी क्रांति ऐसे ही होती है और बहुत सस्ते में और बहुत बढ़िया हो जाएगी सिर्फ आदमी जोड़ने सीखने हमें आदमी अगर हमने जोड़ लिए तो सब चीज जुड़ जाती है फिर जुड़ने जोड़ने की जितनी कवायद वो पूरी हो जाती हैं हर व्यक्ति को काम करना है यहां जो लोग ज्यादा बोलते हैं या जो लोग अच्छा एक्सपर्ट हो गए बोलने में खाली वो बोलते रहेंगे उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला तीन घंटे बुलवा लो चार घंटे बुलवा लो कुछ नहीं होने वाला जुड़ने और जोड़ने से ही होगा और इसमें लगातार लगातार बिना थके बिना रुके किससे सीखना है डॉक्टर अंबेडकर से सीखना है, है। किससे सीखना है बुद्ध से जीक सीखना है और बुद्ध से तो खास तौर से सीखना है एक अकेला व्यक्ति जिसके आसपास ना खाना है ना पानी है ना पैर में चप्पल है ना कपड़ा है तन पे कुछ नहीं है और कहाँ से बौद्ध गया से लेके और सारनाथ तक अकेले पांच आदमियों को ढूंढने के लिए सिर्फ पांच आदमी ढूंढने के लिए अकेला पैदल धनादन धनाधन ना, ना शेर का डर है ना का डर है ना जंगल का डर है पता नहीं कौन खा जाता कौन नहीं और सारनाथ में जाके वो पांच पकड़े जिनको जोड़ना था पता था कि इनको जोड़ूंगा तो बात आगे बनेगी और कमाल ये हुआ कि सारनाथ के अंदर पांच से साठ हो गए और साठ वहीं बन गया कितना बड़ा संघ बना दिया एक अकेले व्यक्ति ने संघ बना दिया साठ आदमी का बन गया और उन साठ आदमी ने कमाल कर दिया साठ के साठ अलग दिशाओं में भेजे और साठ और पकड़ लाए साठ और पकड़ लाए और ऐसे करते करते पैंतालीस साल के अंदर पचास हजार तो टीचर हो गए और सारे सारी जनता को सिखा दिया सारी जनता बदल गई कोई पैसा लगा कहीं कुछ इकट्ठा किया कोई बिल्डिंग बनाई सिर्फ आदमी इकट्ठे किए थे आदमी जोड़े थे बस आदमी ही जोड़ने हमें हमें अपने भाई बहन जोड़ने हैं अगर हम ही नहीं जोड़ने में कामयाब हो गए हम जीत जाएंगे पहले भी जीते हैं अभी भी जीते हैं और धर्म भाई साहब मैं तो कहूंगा यही हमारा ऑब्जेक्ट है जुड़ना है और जीतना है जुड़ना है और जीतना है इसके अलावा कोई काम हमारे पास नहीं है सारे काम अपने आप हो जाएंगे सारे काम अपने हो जाएंगे जिसका संग होता है बस यही आप इसका ध्यान रखें और यही हमारा कॉन्सेप्ट है धन्यवाद थैंक यू सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने समझाया आपको बहुत सर बहुत बहुत साधुवाद माइक खोलिए अपना माइक खोलिए साधु साधु बहुत बढ़िया बहुत प्लीज बहुत इंतजार कर रहे हैं धर्म महेश जी धर्म महेश जी की तो बोले उनको एड्रेस किया बहुत अच्छा लगा सभी बातें सुनकर अः सुधीर सर जी ने मेरे क्वेश्चन के बारे में बोला है कि मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट टाइम जब हमारी, हमारी बात हुई थी आ, सुधीर से ऐसा बोला था कि जो डेली मीटिंग है वो जो उनके एग्जेक्टिव है उसमें मेरा प्रपोजल जाएगा मेरा नाम लिया जाएगा और जब मेरा नाम सेलेक्ट हो जाएगा तो मैं उनका मेंबर भी बन जाऊंगा ये जो मैंने कहा था कि हमें करना क्या है ये डिस्कस पहले हो चुका है और मैं तो संघ में हूँ पहले भी हूँ मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि सुधीर साहब का मैं थैंक यू करता हूँ जिनकी बदौलत मैं इस महफल का हिस्सा बनता हूँ इस इस संघ का हिस्सा बनता हूँ धन्यवाद जय भी नोदय जय संविधान सभी को मैं तो इतना कहना चाहता जो सुधीर सिंह सर ने जो बताया उसी को मैं आगे लेना चाहूंगा ये ओशोराज सर ने जो बताया था तो हैं राजकुमार ओशोराज साहब ने जो बताया कि हमारी तो जो नेक्स्ट जनरेशन तो है हेलो लोग मेरी आवाज आ रही है तो राजकुमार ओशोराज साहब ने महेश साहब ने और बैल सर ने बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है तो उसी की एक कड़ी है कि क्यों हमारी नई जनरेशन वो अभी तक समझ नहीं पा रही है असल में बाबा साहब ने रेगुलेशन एंड काउंटर रेगुलेशन इस किताब में ये इस चर्चा का जिक्र किया है बाबा बाबा साहब साहब के ने ये कहा कि जो पुष्यमित्र शुंग का जो रेगुलेशन आया एंटी रेगुलेशन आया था काउंटर रेगुलेशन उसके बाद भी धम्म बढ़ा लेकिन जब 1956 में बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया उसके बाद काउंटर रेगुलेशन वाले इतने सजग हो गए कि उन्होंने ये सोचा कि अब अपना कोई खरा नहीं है हमारी सारी जो संस्कृति है बर्बाद हो जाएगी क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने टोटल रेगुलेशन की बात की थी और वो बात अगर बहुजनों के साथ अगर ज्यादा जोर से जाती तो उसी वक्त बहुत परिणाम हो जाता उसका तो बाबा साहब जल्दी चले गए महापरिनिर्वाण हुआ इसीलिए वहां पर थोड़ा सा स्पीड हमारा रुक गया दूसरी बात बाबा साहब ने दो तीन काम लिए थे जो महापरिर्वा बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद करने थे चार सेमिनरीज बाबा साहब को खड़ी करनी थी चार ट्रेनिंग स्कूल धम्मा के तो उनका कहना था कि एक मुंबई में हो एक चेन्नई में हो एक दिल्ली कोलकाता ऐसे बड़े बड़े सिटियों में और एक नागपुर में ऐसे कम से कम पांच सेंटर हो जिससे जिसके माध्यम से कि धम्म लोगों को सिखाया जाए वहां पर उपासक लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और फिर भिक्कों के लिए से ट्रेनिंग दिया जाए और उनको फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इतनी पे थे, सेकंड के बात पकड़ी नहीं पाए तो 10-15 साल तक वो मूवमेंट धम्म का मूवमेंट ऐसा की तैसा ही बना रहा उस उसी जो उस, उसी समय का जो फायदा उठाकर काउंटर रेवुलेशन वालों ने अपनी बात बहुजनों में ज्यादा जोर शोर से बचा प्रसारित करना शुरू की और 20 साल तक उनका जो कारवा है ज्यादा जोर से बढ़ा फिर बाद में अभी ऐसा हमको क्यों लगता है कि हम लोग ज्यादा अगले जनरेशन को क्यों लेके नहीं जाते बुद्ध का संदेश तो बात ऐसी होती है कि नेचर का रूल है और बुद्ध का धम्म भी नेचर रूल भी है ये निसर्ग का नियम है जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट के माध्यम से जो कि ये मनुवाद का एक पार्ट वन ही है और बीजेपी वाला जो गवर्नमेंट है वो मनुवाद का पार्ट टू ही है उन्होंने क्या क्या कांग्रेस के वक्त जरा स्लो मोशन में काम चलता था जैसे स्लो पॉइसन का काम होता था लेकिन जैसे चौदह में फुल फ्लेज बीजेपी लेट गवर्नमेंट आई तो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे खिलाफ काम करते हैं उन्होंने ज्यादा जोर से बात करनी शुरू की और निर्सर्ग का नियम है जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया भी होती है जैसे हमारे ऊपर 2014-15 से ज्यादा अन्याय शुरू हो गए अत्याचार शुरू हो गए उसका परसेंटेज बढ़ गया तो हम एकदम से नींद से जाग गए और हमें पता चला कि अभी जो संविधान बाबा साहब ने दिया था वो वो भी खतरे में है बुद्ध का धम्म है उसका भी हमने प्रचार प्रसार नहीं किया और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो मैसेज नहीं गया तो इसीलिए 2014-15 के बाद हमारा स्पीड स्पीड बढ़ा और 2019 के बाद तो बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ा है और बाबा साहब ने वैसा प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले सौ साल में भारत देश बुद्धमय होना ही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2019 के बाद जो कोरोना काल के बाद जब हम लोग सोशल मीडिया से इतने जोर शोर से जुड़े हुए हैं आने वाले चार पांच साल में ही करीब पांच से दस करोड़ लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए काबिल हो जाएंगे उसी का जो काम है विद पीपल कर रहा है अब हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हम लोग सिक्सटी प्लस है फिफ्टी प्लस जो लोग है इनको सोचना है गंभीरता से कि क्या मैं मेरा बाबा साहब का धम्म का विचार है बुद्ध की बुद्ध का विचार है मैं कितने गंभीरता से अगली जनरेशन के लिए पासान करूं? तो हमारी अभी यह जिम्मेदारी है कि हम सोचे गंभीरता से सोचे उसके ऊपर प्लानिंग बनाए स्ट्रैटेजी करें और विद पीपल में आने से पहले हम हम सरेंडर हो जाए

और हम विद पीपल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा काम करें और अगले जनरेशन के अगले जनरेशन को हम हमारा संदेश ज्यादा जोर शोर से दें ताकि अगले जनरेशन में बहुत एनर्जी होती है हम सिक्सटी प्लस वाले फिफ्टी प्लस वाले जो भी लोग जितना स्पीड से काम करेंगे उससे दुगुना चार गुना लोग नए लोग आकर धमका और बाबा साहब की मूवमेंट का प्रचार प्रसार करने वाले हैं इसीलिए हम ज्यादा सोचकर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बना सकते हैं और अगली जनरेशन को हम ट्रेन करा सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो द पीपल एकमात्र ऐसा संघ है जो कि मैं बहुत बार सोचता हूं क्योंकि हमने करीब चौदह पंद्रह ऑर्गेनाइजेशन से काम किया हर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हुए देखा उसको गिरते हुए देखा उसको टूटते हुए भी देखा हमने तो ये सारी बातें अगर पुरानी स्टाइल से करेंगे तो हम ऐसे बनते जाएंगे और टूटते भी जाएंगे लेकिन विद पीपल से जैसे जिस प्रिंसिपल से हम लोग जुड़े हैं अगर ये लोग हम इसको हम लोग हमारे जीवन का भाग बना लेते हैं जीवन जीने का तरीका बना लेते हैं तो ये मैसेज हम अगली पीढ़ी को बहुत जल्दी दे पाएंगे और वो दूर वो दिन दूर नहीं है कि बुद्ध धम्म का और बाबा साहब के विचारों का भी ब्लास्ट होने वाला ये घड़ी हमारे पास आई है लेकिन ये सारी जिम्मेदारी विद पीपल जैसे संघ के हाथ में ही है क्योंकि बाकी के संगठन जो अगर हम देखते हैं तो वो बिखरे हुए नजर आएंगे वो शुरू में तो बड़े फास्ट काम करते हुए दिखाई देंगे लेकिन आगे चलकर उसके बिखराव होने वाला है टुकड़े पड़ने वाले हैं इसीलिए वही द पीपल के साथ हम लोग गंभीरता से जुड़े और काम करें तो ही हमारा आगे का भविष्य अच्छा होगा और जैसे कि सुधीर राज सिंह ने कहा कि हमें हमारे बच्चों को संभालना है आगे की जनरेशन के बारे में सोचना है तो उसका एकमात्र कारण है कि विद द पीपल के माध्यम से हम लोग काम करते रहे तो ही हमारी अग, अगली जनरेशन अच्छी होगी धन्यवाद जय भीम नव आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि